बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज, दोपहर के बजे हैं 3:30। मैं तैयार होकर खड़ी हूँ, पूजा ने आना है 4:30 तक, वो आ जाएगी घर में, तो मैं उसी को देख रही हूँ। फोन तो अभी आया नहीं है कि स्कूटर में बैठी है नहीं बैठी, तो लेट तो मुझे लग ही रहा है, हो जाएगी। पर मैं रेडी होके तैयार होके खड़ी होगी, मैं जब भी आए तो बस हम आके निकल जाएंगे, बस उसी का वेट कर रही हूँ। देखती हूँ, 5 आती है 5:30 आती है 4:30 आती है, जब भी आएगी तो जैसे स्कूटर में ऑटो में बैठेगी मुझे कॉल कर देगी। गाइस आगे बाबा, मैंने फोन कर लिया था, मैंने कहा पापा को फोन कर देती हूँ, जैसे ही आएंगे पूजा आएगी पापा भी आ जाएंगे। सूट पूजा के आने गाइस, सूट पूजा का ना ये सूट बनाने को दिया था पूजा ने, ये वाला चुन्नी मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है ना, तो ये मैंने कहा एक तो चेक भी कर जाएगी कि कैसे आया क्या नहीं आया। हाँ, तो कह रही मैं पंचको में पहनूंगी, मैंने कहा पहन लियो, ये भी है जागरी, दोनों में से जो पहनना है पहन लियो। ठीक है, तो गाइस दोनों इसके रेडी हो चुके हैं, बाकी जो और हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। इसकी चुन्नी सुंदर है, चुन्नी इसकी बहुत सुंदर है, चुन्नी सुंदर है, अभी आई हूँ 5 मिनट पहले करो मैं। हाँ, चाय भी रखी है तेरे लिए, पापा का फोन तो दिखा दो, एक बंदे ने कमेंट करा था कीपैड वाला फोन चला रहे, दिखाना वो तो कल ही बोल रहे थे। ये देखो ये आया था ना मम्मी का, पूजा ने मतलब मुझे जी का बता भी दे। हां ये मैं पे पा रही थी, पता ही सुंदर है ना, ये वही में बटन के पास ही लगा देंगे। और खुद नहीं लगाना आपने, ये आपने नहीं लगाना, वो आएगा भैया, पता ही नहीं गलती से गिर गया ना कीपैड है इसमें, सारी की का अपनी नहीं दिखानी आपने। घर आई थी मैं वाला जो आया, ये आया है चांस बाय वर्षा से, तो इन्होंने बहुत सुंदर बना रखा है ये, और इनके पास ना क्या कहते हैं, इनके पास ये बोर्ड का नहीं है, इनके पास चॉकलेट भी है, कैंडल्स भी है, हैंडमेड है, गिफ्ट हैम्पर से कस्टमाइज करवा सकते हो, ऐसे वाले कुछ भी आर्टिकल, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल जैसे बने हुए हैं, जिसमें एनिवर्सरी का बना रखा है, मम्मी पापा के कपल्स का बना रखा है, बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं। आप इनके पेज पर ज़रूर जाके देखते हैं, इनके पेज का इंस्टाग्राम के पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और इनका ये जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, यहाँ पे ये रहा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, ये इंस्टाग्राम का पेज और ये फेसबुक का पेज, अगर आपको कुछ भी देखना है स्क्रीनशॉट दे सकती है, बाकी जो डिटेल्स है वो आपको उस पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सुंदर लगा ना। हाँ, बाकी संभाल के रखती हूँ। तो गाइस देखो बिल्कुल हैंडमेड है, तो थ्रेड से सारा बनाया हुआ है, और ये नीचे कौन सा, ये कॉपर की कॉपर वायर होगी, ये नहीं वायर नहीं है थ्रेड है, बहुत सुंदर बनाया है, हमने भी ना सेम ऐसे ही बनवा दिया, पहले वाइट आया था, फिर अच्छा यही लग रहा है, मेरे पापा को भी यही अच्छा लग रहा है, कहने क्लासी लग रहा है। हाँ, यही बनवा लिए, ये भी बटन के वहीं पे लगवा दिया, ये बटन के साथ ना ये यहाँ लगवाना है, देखते हूँ देख करवा दूँ। हाँ देख लेना, अच्छा है ना, ठीक है, चल चलते हैं बटन है। मम्मी और मैं निकले हैं, पहले तो हमारे एक तो रास्ते वो कह रहे हैं, तो हमारा जो सीटी वाला रूम है वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आज मंदिर में भी ना आज बहुत रश है, और क्योंकि जब मैं आई हूँ ना वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफिक हो रहा था, मैं 10 मिनट तो अपनी रोड पर ही बन गई, मुझे कह रहे हैं आज दूसरी लाइन से चलते हैं, वहाँ वाली रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अभी सीधा अलीशा पे ही जा रहे हैं, पहले लगन में कहा गया था ट्रैफिक करवा लेते हैं, हर बार रह जाते हैं, नहीं तो पहले यही काम कर रहे हैं, उसके बाद और करवाएंगे, वहाँ सिर्फ लगता है गाइस ज़्यादा नहीं था, हम अलीशा अम्पायर सैलून में, तो बस गाइस अंदर चलते हैं, यहाँ से इसका ये रास्ता है रोड से, बस एक ही अंदर है बस, तो बस चलते हैं फटाफट हेयर करवाते हैं, और बस गाइस फाइनली बैठती हूँ मैं चेयर पे, और अभी भैया आ नहीं रहे, तो पूजा का तो स्टार्ट हो चुका है, मेरा भी होने वाला है, तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइट हेयर आ रहे हैं, तो बीच में टचअप देने वाला है, वही करवाने आई हूँ, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, आगे पीछे तो घर भी हो जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लगता है ना तो फिर मैंने कहा करवा लेती हूँ आके, तो पूजा ने करवाना था, मुझे मेन होता है कि मुझे अकेले आने में आलस आती है, पूजा होती है तो मैं उसके साथ करवा लेती हूँ, तो पूजा को मैंने कहा तू करवाती है, मैं भी साथ साथ चलती हूँ, तो मैं घर से निकली हूँ, तो देखते हैं उसके बाद पूजा ने नेल्स का भी काम कराना है, वो करवाएगी, फिर उसके बाद रात को 9:30 बज जाएंगे घर पहुँच, गाइस पूजा के तो होने वाले हैं, बस हेड वॉश होने वाला है,
और पूजा का क्या हुआ है आज, पूजा के ना डबल लग रहे हैं चार्ज, वो कह रहे हैं ज़्यादा टचअप हुआ है इसका। तो पीछे से दिखाइयो, हाँ ये देखिएगा इस यहाँ तक हुआ पीछे, तो इसके ज़्यादा लगे हैं और मेरे तो उतने ही लगे हैं, डबल हो गया इसका काम आज। हाँ कोई नहीं, हाँ करवाने तो फिर चाहे डबल लगे चाहे दो लगे, मेरा हो गया। हाँ तो मेरा हम तभी नेल्स रह गए हमारे, हमने बोला साढ़े सात आपका हो चुका था, 8 बजे आपका हाफ एन आवर रखते हैं मेरा, 8 हाँ आधा घंटा रखना है, तो मैं 8 बजे तक ही जाती हूँ, तो तेरा हेयर वॉश होने वाला है। हाँ तो करवाया, फिर मेरा भी 15-20 मिनट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, हेयर हो चुके हैं और देखिए बिल्कुल सही हो चुके हैं, और मैंने ना पोनी कर ली, तो मैंने कहा मेरे को ना खुले छोड़ने में कुछ दिक्कत होती, मैंने पोनी कर ली फटाफट, और सूखे जैसे उन्होंने ड्राइव करे तो कैसे सेट, मैंने कहा नहीं मेरी पोनी टेली कर दो। तो पूजा गई है, अभी आ रही है पूजा भी और मैं भी, बस हम 8:30 गए, हमें यही बजे 8:35, तो आगे जाने का तो मतलब ही होता। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हाँ टाइम ज़्यादा लगाया हमें, तो बट कोई बात नहीं, काम हो गया। पूजा को मैंने बोला तुम देख लियो, नेल्स कराने हैं तो अपना आ जाइयो कल, मेरे मैं देखती हूँ आती हूँ नहीं आती, लेकिन आज मेरा जो मेन काम था मेरा अपना हो गया। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और क्या कहते हैं बस आई हूँ, मैंने कहा अभी 10 मिनट बैठ के ना मैं बनाती हूँ व्रत वाली ये आलू की खिचड़ी, खिचड़ी बनती है टमाटर डाल के खा ली और हरी मिर्ची से बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बाकी पूड़ी उड़ी का तो नहीं विचार बन रहा क्योंकि हैवी भी हो जाएगा, और कल भी पूड़ी है तो मैंने कहा पूड़ी का तो नहीं बनाते, पूजा के पापा कह रहे हैं हल्का ही बना ले जो खाया जाए हल्का, तो मैंने कहा दही और वो खिचड़ी बनाती हूँ, तो वो 2 विसल में बन जाती है सावक के चावल की, बहुत टेस्टी बनती है, या खीर बनती है मीठा। तो गाइस ये छोले मैंने उबालने मतलब भिगो दिए हैं, और ये काकू से मंगाया था रिफाइंड, क्योंकि पूड़ियाँ जो हैं तेल वगैरह में नहीं अच्छी बनती, रिफाइंड में ही अच्छी बनती है, तो ये उससे मंगाया था, और यहाँ छोले भिगो दिए हैं काम ने पर, बाकी थोड़े से बर्तन है गाइस मैं सुबह ही धोऊंगी, बाकी ये काफ़ी सारे धो दिए थे, थोड़े से रह गए हैं तो वो सुबह धो लूँगी, कोई बात नहीं सुबह जल्दी उठना है। तो गाइस छोले भी भिगो के मैं आ चुकी हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना क्या कहते हैं यहाँ पर बैठती हूँ, और पूजा के पापा कर रहे हैं कटिंग, उनको सुबह है कि मैं सुबह सुबह फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, सुबह कटिंग का काम नहीं होगा क्योंकि काम भी देने वाला है काफ़ी, तो रात को ही करने के तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सुबह क्या है कि हमें है कि 9 बजे तक हम गंज के बिठाने, तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगी कि 3 घंटे बहुत है हमें, 6 से 8 हम तैयारी कर लेंगे मिलजुल के। वैसे मैंने रूमा को कहा था कि तू 9 बजे आ जाइयो, पर पूजा का पापा कहते हैं अगर रूमा 9 बजे आएगी तो कब बिठाएगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं छोड़ दो कल मैं उसे मना कर दूंगी, जब सुबह आएगी वो आगे कर लेगी, मैं क्योंकि गंज के बिठाने के बाद हम झाड़ू पोछा नहीं मारते, जो करना है पहले ही साफ कर लेंगे घर, तो उसके बाद तो कुछ करते ही नहीं है। तो गाइस उसी टाइम पर मैं फटाफट सुबह उठते सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू पोछा, तो पहले होती थी पूजा, पिछले साल पूजा थी कंजकों पे, तो पूजा काफ़ी हेल्प करा देती थी, पूजा के पापा और मैं ऊपर का कर देते थे, तो काकू कहता कोई बात नहीं मम्मी मैं हूँ कोई टेंशन नहीं है हम तीनों लग के मिल के कर लेंगे फटाफट काम हो जाएगा, मैं कहा ठीक है कल सुबह आप लगते हैं, तो मैं अलार्म कितने बजे का लगाऊँ सुनते नहीं हो हैं, 6 का लगा दो पूरा, हाँ तो 6 बजे का गाइस अलार्म लगाऊंगी, सारे उठ जाएंगे टाइम से और अपना अपना काम संभाल ले। तो गाइस पूजा देखिए ये वाला बैग अभी इसमें पड़ा है ये, तो इसको निकालूंगी बाद में जब लगवाती हूँ, और साथ साथ ना कल इसमें करती हूँ पैकिंग, तो क्या कहते हैं मेरे लिए बहुत है ये क्योंकि 3 ही सूट हैं, तो गाइस ज़्यादा नहीं है, इसी में पूरा मेरा सामान आ जाएगा, 2-3 कप सूट हैं तो ईजिली आ जाएंगे, उसके लिए मुझे बड़े अटैची लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा पूजा को यही बहुत है बैग मेरे को यही दे दियो, तो आगे भी इसमें स्पेस है और यहाँ भी है, तो काफ़ी कपड़ा आ जाता है इसके अंदर। अभी आपको कितनी देर लगेगी, कितना फिर भी हैं 1 घंटे के करीब लगेगा, चलो आप कर लो, कितने काटने हैं सूट, 3-4 सूट, चलो 1 घंटा कर लो आप, क्योंकि सुबह आपको टेंशन नहीं रहेगी है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं भी ना थोड़ी देर लेट जाती हूँ, मेरी थकावट बहुत हो रही है, हैं हमें थकावट बहुत हो रही है, मैं लेटती हूँ और काकू कहती हूँ बाहर सारा समेट लेगा, ठीक है काकू बाहर का थोड़ा देख लेगा ताले तूले लगा देगा, मैं इतने में मैं भी लेटती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा गाइस, उसमें इतना रश था कि दूसरा काम हो ही नहीं पड़ता, हमने कहा कोई बात नहीं अगर कल करवाने होंगे तो पूजा अकेले जाके करवा लेगी, मैं इतना नहीं निकलूंगी, तो मैं सीधा परसों ही निकलूंगी डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं बैग लेके ही, पूजा कह रही है मम्मी आप निकलना बार बार घर आओगे फिर वहाँ जाओगे, वो कह रही बैग लेके ही निकल लेना आप, हाँ बैग लेके डॉक्टर से बात करके फिर, ठीक है ठीक है हाँ, और मैं काकू को बुलाती हूँ, 11:15 तो हो रहे हैं,
ज्यादा से ज्यादा 11:30 तक फ्री हो जाओगे आप। नींद तो आपको वैसे ही नहीं आती जल्दी। हाँ मैं भी दवाई खाती हूँ अपनी रात वाली और क्या कहते हैं फिर मैं लेटती हूँ थोड़ी देर। तो आ रही है बहुत ज्यादा नींद, तो मैंने कहा पूजा के वापस अभी लगेगा उनको घंटा, तो मैं तो जाती हूँ अंदर और क्या कहते हैं मुझे यहाँ थोड़ी गर्मी भी लग रही है तो अंदर ही जाती हूँ, लेटती हूँ। मेरी आईज भी काफी ना दर्द हो रही है गाइस, तो बस दवाई खानी है जो रात की जो मेरी मेडिसिन है वो खाती हूँ सबसे पहले जाके, तो उसमें क्या माइग्रेन वगैरह की भी है वो भी सब खाती हूँ। उसके बाद मुझे क्या होता है नींद आ जाती है, नींद आती है तो मुझे पता नहीं चलता गाइस, और पूजा के पापा उठते हैं रात को तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता मुझे, क्योंकि दवाई का असर होता है तो मुझे रात को होश कम आता है। जैसे बीच बीच में उठती हूँ अगर 2:30-3 बजे एक बार खुली, ज़्यादा नींद नहीं खुलती मेरी, तो क्या कहते हैं बस मैं अंदर जाती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ। और कल सबके घर में है अष्टमी, तो हमारी हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी फैमिली की तरफ से अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, और माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, जो जो जिस जिसको जो जो जरूरत है सबको माता रानी दे और सबकी ब्लेस पूरी करे। और गाइस सुबह तो सारी ही कल लेडीज बिजी होंगी अपने अपने घर में, सबको काम होगा, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है तो सबको अपना अपना काम होगा, क्योंकि कंज के हर कोई कहता है कि टाइम से बिठा ले क्योंकि सुबह और बच्चे बड़ा मुश्किल मिलते हैं। और यहाँ ना हमें तो जो हमारा एरिया है ना इस पर थोड़ी हमें मुश्किल होती है, पिछले साल भी बहुत मुश्किल हुई थी। चलो कोई बात नहीं, माता रानी अपने आप कोई ना कोई कंज के भेज देती है, तो कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि आ नहीं रही और अचानक ही आ जाती हैं, तो कल की कल देखते हैं जैसा भी होता है। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।